अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम व्लॉग बना रहे हैं और श्रिंप फार्मिंग के लिए, और श्रिंप फार्मिंग जो है अभी हम स्टॉकिंग करने जा रहे हैं, और उसके लिए वाटर प्रिपरेशन सबसे पहले होगी। उसकी आज वाटर प्रिपरेशन होगी और उसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। हमारे साथ व्लॉग में मतलब शुएब भाई भी हैं और ये इनके भाई हैं, ये भी साथ आए। ये देखेंगे कि किस तरह श्रिंप स्टॉक किया जाता है, तो आज ही मेरे साथ ही हैं। तक हम अभी निकले हैं नमक लेने, हमारे रास्ते में ही आएगा। और जो कराची में सी सॉल्ट की जो होलसेल मार्केट है, वो बफर जोन जो है, मतलब सुदाब गोड से आप जाते हुए लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो वहाँ पे लाइन से जो है वो सी सॉल्ट वाले बैठे हैं, तो वहाँ से जो है सस्ता और अच्छा सी सॉल्ट मिल जाता है। तो ये आप देखें, ये सुदाब गोड का पुल है जी। अच्छा, मैं अभी आया हूँ नमक लेने, क्योंकि श्रिम में जो है वेनामाई श्रिम की जो फार्मिंग की जाती है तो उस हिसाब से सैलिनिटी मेंटेन करते हैं, तो सैलिनिटी मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ से नमक लेने आया हूँ। और ये भी हम वही नमक डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा लें। अच्छा, ये जो नमक लिया जाता है ये बिल्कुल बारीक दाने वाला लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इनके पास मोटा भी होता है, लेकिन मोटा जो है वो ज़्यादा फिजिबल नहीं देता। तो ये मैं आपको भी दिखाता था सैंपल, ये यहाँ पे है, मोटा है लेकिन वो फिजिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये सही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम पहुँच गए अपने फार्म पे और अभी हम टैंक को प्रिपेयर करने लगे हैं। प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है, जब भी कोई भी टैंक हो आपके पास कम से कम पानी रखने, कम से कम एक टैंक से पानी रखना है। श्रिंप फार्मिंग के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पानी का टी डी एस सैलिनिटी चेक करनी होती है। तो हम अभी इसका टी डी एस चेक करते हैं कि पानी का क्या टी डी एस है। जो हमारे पानी का टीडीएस है वो है 1550, ठीक है। तो अब हम इसकी, अभी जो हमारे पास वेनामाई श्रिम आ रहा है उसकी मिनिमम जो सैलिनिटी रिक्वायर्ड होती है वो 3-5 मिनिमम होनी चाहिए। तो अब हमारे पास सैलिनिटी मतलब हज़ार टीडीएस का मतलब होता है 1 सैलिनिटी, 2000 का मतलब होता है 3000 सैलिनिटी। तो इसमें अब हम इसमें सैलिनिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर सैलिनिटी में रहे नहीं इंशाल्लाह वो 2-3 दिन में आ जाएगा। जब भी टैंक में सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसको सबसे पहले एक अलग बाल्टी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आपको पूरे टैंक में अच्छे से सुराख निकालना है। अभी देखिए, हमने इसमें नमक डाला था और ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, तो मिक्स हुआ था वो हमने टैंक दोबारा पानी भरेंगे, दोबारा मिक्स करेंगे और दोबारा टैंक में डालेंगे। ये देखिए, अब ये इसको मैं अच्छे से डिजोल्व कर रहा हूँ, ये जितना अच्छे से डिजोल्व होगा उतना अच्छा टैंक में भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये काफ़ी सारा मिक्स हो गया था, अब ये थोड़ा सा रह गया, मैं इसको सॉल्ट ऐड करने से टी डी एस बढ़ा या नहीं बढ़ा। जी देखिए, पहले 1500 था टी डी एस, अब जो है वो 1800 हो गया। अभी और जितना अच्छे से मिक्स होता रहेगा उसका टी डी एस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसमें जो है 10-10 के जी करके और ऐड करेंगे, तो हमारा टारगेट है कि 50-60 के जी इसमें नमक ऐड किया जाए, जिससे ताकि जो इसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो। और इंशाल्लाह जैसे सर, ये बड़ा वाला मोटर चला दिया, इसमें बड़े वाला मोटर चला दिया।